क्या कर रहा है नीतीश कुमार, हर सीओ से वीडियो से सबसे पीसी बना हुआ है, महीना महीना तसूल करता है, कहाँ का है क्या कानून ये? कभी दरोगा को निशाना बनाया जा रहा है, कभी पत्रकार को निशाना बनाया जा रहा है, हम लोग आम जनता कैसे जिएगी? कभी पत्रकार मरता है, कभी सरपंच मरता है, हम लोग कौन सा कुत्ता का कौन सा गली का शेर है? हम लोग कभी भी जा सकते हैं। इस लोग को अगर इस चीज के लिए अगर पब्लिक ये सभी मिलकर सरकार या नहीं कानून करेगा, हम लोग चक्का जाम करके सरकार को भी चक्का नहीं चलने देंगे, जाम करेंगे, चक्का नहीं चलने देंगे रोड पर। अगर सरकार आएगा हम लोग ईटा पत्थर मारेंगे, उसके लिए हम लोग को चाहे हत्या क्यों नहीं हो जाए। नमस्कार, अभी हम मौजूद है रानीगंज में और आपको बता दें दैनिक जागरण के पत्रकार बिमल जी के घर पे हैं। उनके पहले भाई की हत्या आज से 4 साल पहले की गई, उसके बाद आज से, और देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी आ गए हैं घर पे कुछ सांत्वना देने के लिए, घर के लोगों की सहयोग के लिए। और देखिए बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं, युवा हैं जो आ गए हैं यहाँ पे, क्या करें आज देखिए ना पुलिस सुरक्षित है और ना ही पत्रकार सुरक्षित है इस बिहार में। क्या करें क्या करें, इन नेताओं का गुलामी करो, जाति पति पर वोट दो, हजो जाति पति पर वोट, बोलो जादो, बोलो हिंदू, बोलो मुस्लिम, राजपूत बनो, भूमिहार बनो, पंडित जी बनो, बोलो तुम लोग, अरे लूटेंगे तुम लोगों को, बर्बाद जात के ही है। तेजस्वी यादव जी आए हैं यहाँ पे, हमको नहीं मालूम है तेजस्वी यादव जी कौन है, पप्पू यादव जी कौन है, नीतीश कुमार कौन है, मोदी जी कौन है, सुशील मोदी कौन है, हमको मालूम है, इन लोगों से मतलब है हमको। ये वोटर है, ये मालिक है, अब नौकरवा सब मालिक बन गया है, अब मालिक सब नौकर बन गया है, ये सच्चाई है, बिहार का हकीकत है। क्या कहना चाहते हैं, ना पुलिस सुरक्षित है ना पत्रकार सुरक्षित है? यहाँ पे पुलिस वाले सुरक्षा नहीं है, जब तो हत्या हो रहा है यहाँ पे, पुलिस वाले को क्या लगता है आप लोग सुरक्षित है? टाइट करना चाहिए प्रशासन को, टाइट करना चाहिए पूरा। तो लगातार मर्डर ऊपर मर्डर हो रहा है, लेकिन आज अभी तक कुछ नहीं निकला। पुलिस चौकी देना चाहिए, हर रोड पे एकदम आतंकवादी घूम रहा है, एकदम गुंडा घूम रहा है, जब मर्जी होता है तब जाकर के गोली मार देता है। किसी को आप लोगों को डर नहीं लगता है? डर लगता है, खूब डर लगता है, इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए। क्या लगता है बिमल यादव जी के परिवार को इंसाफ मिलेगा? आप लोग उसको पहुंचाइए, सरकार तक आवाज पहुंचाइए, गांव में पुलिस चौकी नहीं है और कुछ नहीं है। क्या लगता है इंसाफ मिलेगा इनको? मिलना चाहिए, जब सरकार उठाएगा तो मिलना। क्या कहना चाहते हैं, इंसाफ मिलना चाहिए इन लोगों को? तो आप लोग ना पहुंचाइएगा सरकार तक, सरकार क्या कहना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं? सरकार का अभी तक यहाँ आगमन नहीं है। जो सरकार नहीं है वो आया है, जो सरकार नहीं है वो आया है, जो सरकार है वो कान में तेल लेके सोया हुआ है। भैया अभी सही बताइए, तेल लेके नहीं सोया है, चुनाव के समय 6 महीना रहेगा तो तुमको दारू और मुर्गा में खरीदने आएगा, तुमको जाति दिखाने आएगा, तुमको ऊंच नीचे बताने आएगा, तुमको हमको बांटने आएगा, इंसानियत मारने आएगा, तब जाके विकास करने वो आएगा। अभी समझ रहे हैं जनता को बिकाऊ नहीं है, ऐसा बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ का सिस्टम खराब है, सरकार को भूल जाना चाहिए, सरकार को भूल जाना चाहिए कि जनता अब बदल चुका है, युवा बदल रहा है, जो पहले हो रहा था वो हो गया, अब गया जमाना। अब देखिए अब आने वाले गृह विभाग 17 साल से जो है 2005 से नीतीश कुमार गृह विभाग क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? गृह विभाग उससे संभल नहीं रहा, आज तेजस्वी यादव का हाथ में दे गृह विभाग, देख कल से सिस्टम बदल जाएगा, सुधर जाएगा, एकदम सुधर जाएगा, एकदम सुधर जाएगा। नीतीश कुमार गृह विभाग छोड़ दे, 17 साल से कुछ नहीं कर पाया गृह विभाग रख के। तो क्या लगता है इंसाफ तेजस्वी यादव दिला पाएंगे इस परिवार को? एकदम गृह विभाग से आज इस्तीफा दे, कल तेजस्वी यादव ग्रहण करेंगे, इसके बाद देखिए इंसाफ मिल जाएगा, तुरंत मिल जाएगा। देखिए इन लोगों का कहना है कि गृह विभाग को तेजस्वी यादव के हाथों में दिया जाए, कितना लोग संतुष्ट है इससे? संतुष्ट है आप? बिल्कुल नहीं, गृह विभाग यदि तेजस्वी यादव के हाथ में जाने के बाद भी कुछ नहीं होने वाला है, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। वैसे बोलने वाले तो कुछ बोल जाते हैं, तेजस्वी यादव जी बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, अभी तक एक फेसबुक पोस्ट भी नहीं किया इस मामले में। सुनिए ना, सुनिए ना, आपके हिसाब से 2019 में गब्बू यादव था, जो हाँ, हुआ था, जी जी, तभी भी नीतीश कुमार के हाथ नहीं, नहीं सुनिए ना, हाँ सुनिए ना, नीतीश कुमार सुनिए ना, जिनके हाथ में जाना चाहिए ये तय करने वाले हम नहीं होते हैं, ठीक है, ये तय करने वाले हम नहीं होते हैं, ये आम पब्लिक होते हैं, ठीक है। और आप सुनिए 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 और सुनिए ना, आप बोले ना तेजस्वी यादव जी फेसबुक पोस्ट किए हैं, तेजस्वी यादव फेसबुक पोस्ट किए हैं, दिखाइए हमें, तो फिर सवाल तो भैया काहे उठा रहे हैं? सरकार जो भी हो, सरकार जो भी हो, हम लोग इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ चाहिए, सरकार कोई भी हो इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन गृह विभाग रख के 17 साल में कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। गृह विभाग पे हम क्यों जाए? हमको इंसाफ चाहिए। हमारे घर में डुबिया बुताया है और जो
जो डिबिया बुताया है उसको भी डिबिया बुताओ, यही निशाब है हम लोग को। नहीं तो सही कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, कोर्ट इसका सजा करेगा, फैसला करेगा। हाँ सजा चाहिए, जैसे हमारा घर का डिबिया बुताया है। न्याय न्याय नहीं मिलता है, न्याय नहीं मिलता है तो अगला कदम क्या होगा? आप लोग सरकार बदलेंगे, सरकार बदलेंगे, विरोध होगा, रोड जाम होगा, पब्लिक सब मरेगा, सरकार का सरकार के ऊपर आरोप लगेगा, सरकार के ऊपर आरोप लगेगा, चक्का जाम होगा। अगर इसका न्याय नहीं मिलेगा, इसका न्याय नहीं मिलेगा, चक्का जाम होगा। हम आज पत्रकार के लिए इतने लोग समर्थन में उतर चुके हैं, मरेंगे सभी आदमी, मरेंगे चक्का जाम करेंगे, चाहे जहाँ भी हो। अगर इस परिवार में न्याय नहीं मिला, हम लोग जीने नहीं चाहते हैं, हम लोग नहीं जिएंगे। अथवा ये नीतीश कुमार रंगेली बना रखा है, बिहार को रंगेली बना रखा है, क्या समझ रखा है? जहाँ जाता है पैसा दो। अभी आया अररिया कोर्ट से, वहाँ गए तो पीसी मांग रहा है मुलाकाती का, कहाँ का कानून है? हम एक तो हमारा कह दिया जेल में, हम गए वहाँ पर पीसी, कहाँ का कानून है? क्या कर रहा है नीतीश कुमार? हर सीओ से वीडियो से सबसे पीसी बना हुआ है, महीना महीना तसूल करता है, कहाँ का है क्या कानून है? कभी दरोगा को निशाना बनाया जा रहा है, कभी पत्रकार को निशाना बनाया जा रहा है, हम लोग फिर आम जनता कैसे जिएगी? कभी पत्रकार मरता है, कभी सरपंच मरता है, हम लोग कौन सा कुत्ता का, कौन सा गली का शेर है? हम लोग कभी भी जा सकते हैं। इस लोग को अगर इस चीज के लिए अगर पब्लिक ये सभी मिलकर सरकार या नहीं कानून करेगा, हम लोग चक्का जाम करके सरकार को भी चक्का नहीं चलने देंगे, जाम करेंगे, चक्का नहीं चलने देंगे रोड पर। अगर सरकार आएगा, हम लोग इतना पत्थर मारेंगे, उसके लिए हम लोग को चाहे हत्या क्यों नहीं हो जाए, हम लोग मरने के लिए। सभी लोग आक्रोशित है और बहुत जल्द अगर इंसाफ इस परिवार को नहीं मिलता है तो इनका कहना है कि रोड जाम करेंगे, चक्का जाम करेंगे। बाकी आप लोग देखिए और इस परिवार को इंसाफ दिलाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आप लोग में अगर शक्ति हो तो आप लोग इंसाफ दिला सकते हैं। बाकी देखिए और शेयर कीजिए, इंसाफ दिलाइए, धन्यवाद।